अनुसार तखारिया में स्थापित हुए कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन एसडीएम आरएसपुरा रामलाल शर्मा द्वारा किया गया। इस मौके पर पंचायत के सरपंच पंडित पवन रैना सहित पंचायत के अन्य पंचायत व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस मौके पर एसडीएम ने जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से हर पंचायत में इस तरह के सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं ताकि पंचायत का कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमण पाया जाता है तो उसे वहां पर रखा जा सके। हमारी जो ऑनरेबल एलजी साहब ने अनाउंस किया था कि जो कोरोना है इसको मात देने के लिए जहां पर बीमार है वहीं उपचार है, ये प्रधानमंत्री ने भी बोला था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, तो एलजी साहब ने उसी को आगे चलाते हुए ये 5 बेड का जहां कोविड केयर सेंटर बनाया है। तो इस तरह से इस ब्लॉक में 23 सेंटर्स बन गए हैं। तो अगर किसी को कोरोना की शिकायत होती है, टेस्ट से उसका पॉजिटिव आता है, अगर उसके घर में आइसोलेशन के लिए अलग से सुविधा नहीं है तो वो जहां आके रह सकता है आइसोलेशन के लिए, ये तो उसके लिए डॉक्टर की लिस्ट भी इनके पास है, जो कंसर्न डॉक्टर होगा इनका मोबाइल नंबर सबको दे दिए गए हैं, उसको कॉल करेंगे वो बताता रहेगा उसको। तो जहाँ 5 किट भी मैंने देखा है, तो पल्स ऑक्सीमीटर भी हैं जहाँ पर, तो ये सारे का सारा यहीं पर उपचार हो जाएगा उनका। सर दूसरा यहाँ दो में 5 ऐसे भी होंगे जो नहीं उठाने वाले हैं और उनके खिलाफ फिर से इलेक्शन एक्शन रिकमेंड होगा। उस डॉक्टर की एक्सामिनेशन कॉल कर ली गई है, उसने क्यों नहीं उठाया फोन तो उठाना है उसको। बाकी सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर अटेंड करते हैं दिन रात को करते हैं। और वो जो अभी कल मैंने जहाँ एक कॉल की थी, जहाँ इस एरिया है जो गंडली, तो ये इसका ब्लॉक वो पड़ता है बिश्नाह के BMO को मैंने कॉल की, मैंने कहा ऐसे ऐसे पेशेंट हैं, उसने 2 मिनट में एक्शन लिया, वो सारा करके उनको पल्स ऑक्सीमीटर भी पहुँचाया, दवाई भी पहुँचाई। तो ऐसे नहीं है कर रहे हैं डॉक्टर, पर बीच में कोई एक आध होता है तो उसको फिर उसके हिसाब से उसका एक्शन लिया जाए। SDM साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ सेंटर में आए और सेंटर का उद्घाटन किया और हमारा साथ दिया। इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, सभी से ये अपील करना चाहता हूँ, किसी वक्त जैसे SDM साहब ने कहा मुझे फ़ोन कर सकते हैं, किसी भी साथी को कोई भी दिक्कत आए किसी भी मसले में वो SDM साहब से कंसल्ट करें, SDM साहब उसका हल निकालेंगे। और पिछले दिनों से भी अच्छा काम कर रहे हैं जैसे ये यहाँ तक यहाँ पे हैं। इसके साथ साथ इनसे मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूँगा कि जिस तरीके से ये सेंटर खुले हैं इन सेंटरों का लोगों को भी पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और SDM साहब खुद देखें, जैसे गुलाम नबी आजाद साहब आके खुद चेक करते होते थे हर बात, वर्क कल्चर की बात है, इस तरह से SDM साहब करते भी हैं। इसका फ़ायदा तब होगा जहाँ जितनी फैसिलिटी एज ए मेडिकल के हिसाब से लोगों को चाहिए वो इन सेंटरों में पूरी होगी, तभी इसका फ़ायदा होगा। अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।